तो आज का जो टॉपिक है वो है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, जिसके हमने टेम्परेचर और पीएच के बारे में पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कैसे फैक्टर अफेक्टिंग है एंजाइम के ऊपर। द एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम मॉलिक्यूल। जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करती है? अवेलेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट और एंजाइम के मॉलिक्यूल्स के ऊपर। इफ़ द सबस्ट्रेट टू कंसंट्रेशन इज़ वेरी हाई, द एंजाइम कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वो हाई हो एंजाइम की कंसंट्रेशन से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन एंजाइम। बट इन रियल कंडीशन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज़ ऑलवेज लिमिटेड। पर रियल कंडीशंस में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है वो हमेशा लिमिटेड में होती है। सो द एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन इनिशियली। तो क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इनिशियली, बट आफ्टर सम टाइम इट रिमेन कॉन्स्टेंट। तो आप ये देख सकते हैं एक्टिविटी और ये कंसंट्रेशन एंजाइम की, एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, लेकिन कुछ हद तक लिमिट तक होती है, फिर ये जो एक्टिविटी है वो सेम रहती है या कॉन्स्टेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ़ देर आर 50 एंजाइम एंड 20 सबस्ट्रेट, तो लाजमी बात है जो 20 सबस्ट्रेट है वो बाइंड हो गए 20 एंजाइम के साथ, जो 30 एंजाइम्स हैं वो तो फ्री होंगे ना। तो एक्टिविटी डिपेंड करती है किसके ऊपर? एंजाइम की कंसंट्रेशन और सबस्ट्रेट दोनों के ऊपर। अगर एंजाइम कम होंगे सबस्ट्रेट से फिर भी एक्टिविटी असरअंदाज होगी, अगर एंजाइम ज़्यादा होंगे सबस्ट्रेट से इससे भी एक्टिविटी असरअंदाज होगी एंजाइम की। अब क्या है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन? सबस्ट्रेट तो उसे कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ है कि जो मॉलिक्यूल बाइंड होता है एंजाइम के साथ एक्टिव साइट के ऊपर। द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो इंक्रीज होता है जब कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इंक्रीज होती है, ठीक है, बट इन अ कंडीशन वेयर एंजाइम कंसंट्रेशन रिमेन कॉन्स्टेंट। उस कंडीशन में जिसमें एंजाइम की कंसंट्रेशन क्या होती है? कॉन्स्टेंट होती है। दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू, ये जो इंक्रीज है कंटिन्यू रहती है अनटिल द अवेलेबल एंजाइम बिकम सेचूरेटेड। तो ये जो दिस इंक्रीज रिमेन कंटिन्यू, ये जो इंक्रीज है कंटिन्यू रहता है कब तक? जब तक अवेलेबल एंजाइम जो हैं वो सेचूरेटेड ना हो जाएं विद सबस्ट्रेट। देर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी टू अ सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो क्या होगा कि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ जाए, ठीक है, इंक्रीज हो जाए एक्टिविटी एंजाइम की, देर विल बी नो इंक्रीज इन द एंजाइम एक्टिविटी, मतलब इंक्रीज नहीं होगी एंजाइम एक्टिविटी टू अ सर्टेन हायर लेवल ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। एट वेरी हाई कंसंट्रेशन द सबस्ट्रेट एग्जर्ट अ रिटार्डिंग इफेक्ट अपॉन एंजाइम एक्टिविटी। तो ये आप देख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है एंजाइम के हिसाब से। ये जो आप एक्स का निशान देख सकते हैं ग्रीन कलर में, ये कहलाती है पॉइंट ऑफ सेचुरेशन। ये यानी यहाँ तक एंजाइम्स अवेलेबल है, तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। फिर क्या हुआ कि एंजाइम कम पड़ गए हैं सबस्ट्रेट के हिसाब से, तो एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। फिर जो है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन कोई भी अफेक्ट नहीं करेगी रिएक्शन रेट पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गएगी। अब दिस मे बी ड्यू टू टू रीजंस, ये दो रीजंस की वजह से हो सकता है। नंबर वन, हायर क्वांटिटी ऑफ सबस्ट्रेट एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट की क्वांटिटी ज़्यादा हो एंजाइम से, या एक्युमुलेशन ऑफ एंड प्रोडक्ट, या जो एंड प्रोडक्ट है उसकी एक्युमुलेशन हो। इट मीन्स द सबस्ट्रेट एंजाइम कंसंट्रेशन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जो सबस्ट्रेट हैं और एंजाइम कंसंट्रेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं
अप टू अ सर्टेन मैक्सिमम वेलोसिटी आफ्टर विच फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा कि जब अगर इंक्रीज होंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एंजाइम इनहिबिशन। ठीक, अगर आप नए चैनल पर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।